Assalamualaikum, welcome to my channel Lifestyle with Seher Chan. Hope you all are fine. And today I am again ready with another vlog. And we are not going to do makeup today because maybe you are thinking I am standing in front of my dressing table. So today's vlog is not about makeup, but it's about beauty tips. How you can use different sort of beauty tips and how you can improve yourself, make a change in yourself. Let's go, and I'm going to start with a new vlog. Let me fix my problems because today I am alone and I have to fix my stand and my light. तो मुझे इसमें time लग रहा है करते करते, लेकिन बहरहाल अब मैंने आज सब कुछ खुद ही से मैनेज करना है. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे. तो अब मैंने यहाँ पे फिक्स किया था स्टैंड, लेकिन ये थोड़ा सा दूर था. हनान घर पे हो तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं वीडियोज़ बनाने में, लेकिन खैर चलें आज हम इसी तरह से कुछ करते हैं. चलिए जी, अब हम काट देते हैं. ये जी प्लांट है, अगर आपने इसको काटना है तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसका सबसे नीचे वाला लीफ काटें. जब आप सबसे ज़्यादा नीचे वाला लीफ काटेंगे तो जो इस तरह से ब्राउन टिप्स इसकी हुई हुई हैं तो ये नहीं होंगी और आपका प्लांट खूबसूरत भी लगेगा. ये इस तरह की टिप्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता. और ये कि आप अगर अपने सबसे खूबसूरत वाली काटेंगे जो उसके लीफ है, तो ये आपका जो है नीचे से कटना चाहिए. तो हम इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक शार्प छुरी, जिसकी शार्प सी नोक को, और हम उसको फिर अब काटेंगे और डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली लीफ हमने काटनी है. मुझे जो समझ आ रही थी, एक लेफ़्ट साइड पे थोड़ी मोटी सी भरी हुई लीफ थी एलोवेरा की, वो मैंने काट ली थी. और एक राइट साइड पे मुझे दो सबसे नीचे वाली रूट से समझ आई थी, तो मैंने इसे काट लिया. तो और काटना जो हमने बिल्कुल इसको स्टेम के पास से काटना है, और आप बिल्कुल तकरीबन उसकी जो बिल्कुल मड पे स्टेम होगी उसके साथ आप उसको नाइफ को शार्पली यूज़ करते हुए काट दें. सो आई हैव कट बोथ ऑफ दीज लीव्स, एंड दीज लीव्स आर फ्रॉम वेरी डीप रूट्स, मतलब जो उसके बिल्कुल करीब से पौधा होगा उधर से आपने करनी है. और आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह से वाइट वाइट से इस तरह से आप कटिंग कर देंगे. नाउ यू कैन सी इसके अंदर से एक येलो कलर का ऐसे जेल सा भी आ रहा है. तो अभी हम इसको पहले वॉश करेंगे और मैं फिर आगे आपको इसके बारे में बताऊँगी कि हम इसको कैसे यूज. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो येलो रंग का जूस निकल रहा है एलोवेरा से, इसको हम लेटेक्स कहते हैं. और ये जो लेटेक्स है ये एक बिटर सा जूस होता है और स्किन में से इसके निकलता है, और ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है. इससे आपको पेन इचिंग स्किन के ऊपर स्टार्ट हो सकती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए. ये देखिए मैंने उतार के सिर्फ रखे थे तो ये नीचे ज़मीन पर भी गिरना शुरू हो गया. अब इसको मैं साफ़ करूँगी. सन ग्लासेस अब सही काम आ रहे हैं, सन निकलने लगा है और सही चमक रहा है. लेकिन धूप थोड़ी हल्की हल्की होती, सर्दियाँ हैं ना, लेकिन मुझे कैप कोई मिल नहीं रही थी तो मुझे कैप भी काम आ गई. थोड़ी देर मैंने इसको बाहर इंजॉय किया. आई हैव वॉश्ड दिस एलोवेरा वेरी डीपली, उसकी सारी डस्ट जो है वो साफ़ हो चुकी है. तो द टिप इज़ दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू प्लेस दिस
लीफ ऑफ एलोवेरा इस तरह लाइक दिस, क्योंकि इससे ये होगा कि जो इसका नीचे वाला पोर्शन है इससे आपकी जो भी येलो कलर की जेल है वो सारी निकल जाएगी और आपका ये जो लीफ हो जाएगा रेडी टू यूज़ हो जाएगा। देखिए अब इस तरह से इसके अंदर से अभी भी निकल रही है नीचे इसकी येलो रंग की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले लीफ को प्रॉपरली मैंने कट नहीं किया तो यहाँ से विजिबिलिटी नहीं है एलोवेरा की। अब मैं यहाँ से इसको कट करूँगी तो इसके अंदर से जो भी इसके येलो कलर की जेल होगी वो निकल जाएगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे से इसके लीफ को अच्छे से कट कर लें ताकि जो भी इसके येलो टॉक्सिक किस्म का जेल है वो निकल जाए। और यू कैन प्लेस दिस लीफ इन अ बाउल और उसको स्ट्रेट खड़ा करेंगे इस वजह से क्योंकि सारा जब वो जेल निकल जाएगा तो देन इट विल बी रेडी टू यूज़ आफ्टर 2 or 3 hours। आज खाना भी बनाना था और सारा टाइम जो है वो मेरा बिजट का जा रहा था, तो साथ में मैंने ये बिरयानी के जो है प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे और साथ ही मेरे एलोवेरा की जो है वो जेल वो भी सही सही हो रही थी। तो ये कि मैं फटाफट साथ साथ बिरयानी भी बना लूँ क्योंकि हनान स्कूल से आके फिर काफ़ी शोर करेंगे। तो जी आपको साथ साथ बिरयानी भी दिखाती जाती हूँ कि वो मैं किस तरह से बना रही हूँ। और देख सकते हैं आप किस तरह से अब मेरा एलोवेरा रेडी टू यूज़ हो रहा है। ना तो यहाँ पे गैस के शेड्यूल है, अब मैंने यही किया है कि अगर बर्नर में थोड़ी सी भी गैस आती है तो क्योंकि नीचे कनेक्शन में आप अगर छोटा वाला बर्नर लगा लेते हैं तो आपका कुछ ना कुछ काम चल जाता है। तो बस इस पर आधा काम इस पर हो जाएगा, आधा सिलेंडर पर हो जाएगा, तो मिक्स मिक्स करके कुछ ना कुछ बन ही जाएगी। अब मेरे पास यहीं पे मैं बैठी हुई थी तो लहसुन और अदरक मैंने साथ ही ले आई थी कि बैठ के यहाँ पे छील लूँगी और उसी को कूट के तो साथ साथ मैं डालती जाऊँगी। मेरे मसाला बिरयानी हमेशा से मैंने आपको अपनी बताई है, इंग्रेडिएंट्स भी दिखाए हैं, बड़ी इजी तरीके से मैं बनाती हूँ और उसके अंदर किसी किस्म का ग्राइंडर नहीं यूज़ किया करती हूँ मैं। थोड़ी सी लहसुन अदरक के साथ मॉडलिंग हो जाए, थोड़ा सा मैस हो जाता है लेकिन ये कि आपका ईजीली खाना बन जाता है। अभी इसकी आँच काफ़ी स्लो हो गई है लेकिन मैं इसको ढक ढक के बिरयानी को बनाया तो आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ तक पहुँची। चलिए जी देखते हैं। ये देखें हल्की हल्की आँच है जो कि बर्नर में आ रही है और आप बर्नर को यूज़ करते हुए आराम से अपना खाना बना सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से खाना बनाना लेकिन अब ये बिरयानी का मसाला बन जाएगा। ढक के बड़ा ढक्कन से ढक इसका जो है वो स्टीम वगैरह ना निकले और जल्दी पक जाए। तो मैं ऑलमोस्ट मेरी चिकन जो है वो गलने वाली है और अब मैं जाके आगे बाकी अपना काम करूँगी और जाके चावलों का पानी उबालूँगी ताकि जो ये मेरा रेडी हो जाए। ताज़ा ताज़ा धनिया ले आए हैं और इसके अंदर मैं चटनी बनाऊँगी। चटनी में मैं धनिया डाल रही हूँ, मिर्चें डाल रही हूँ, एक लहसुन का जवा है और ज़रा सी अदरक। तो ये मेरा जो है दही बन के रेडी हो जाएगा। और मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो मैं इसमें दही यूज़ करूँगी ताकि जो है ये बिल्कुल जल्दी से अच्छी सा रायता बन जाए। और फिर मैं इसके साथ सलाद काटूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ आप लोग कितने खुश हो रहे ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितने मज़े से बर्तन धोती हूँ। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट द रियल फेस ऑफ अ पिक्चर। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बर्तन धोना, आई जस्ट हेट वॉशिंग डिशेस, क्योंकि मुझे बचपन से कभी आदत ही नहीं थी धोने की। और जो है माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा से मेड वगैरह और हमारे सर्वेंट होते थे और वो तो 24 hours के शादी से पहले होते थे। शादी के बाद भी मेरे पास तकरीबन 3-4 इकट्ठे मेड्स रहे। लेकिन अगर आपके पास कभी नहीं भी अवेलेबल होते या आपके पास ऐसे कोई रीज़न हो जाती है तो आपको ये काम करने पड़ जाते हैं और आपको करने भी चाहिए। बर्तनों की स्टोरी तो मेरी जेठानी बहुत अच्छी सुनाती है। और एक हमारी मेड थी जिनका नाम था नज़ीरा, बर्तन इतने ज़्यादा होते थे कि वो मुझे कहती थी कि बाजी रात की मेहमान आई सी। जो भी टास्क हो आपको वो आराम से करने चाहिए क्योंकि आप जितना शोर करते हैं मिलाकर तो आपको ही करना होता है क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ।
बिरयानी बना रही हूँ, चावल मैंने भिगो दिए हैं, अब मैंने जाके पानी उबालूंगी इसका और अब मेरी बिरयानी भी बन जाएगी। जिंदगी जो कहते हैं ना कि हर चैलेंज का नाम है, तो चैलेंज जो है ये भी एक किस्म का चैलेंज है। मतलब आपके पास, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप समझती हैं कि आपके पास ये चैलेंज नहीं है, मतलब आपने तो एक तरह से सब चीज़ें फेस करनी है ना, मतलब करना है, सारा काम खुद करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो मतलब मैं कहती हूँ कि आपको एज अ हाउस वाइफ जो है एक कंप्लीट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आप कोई भी जॉब करते हैं उसमें भी आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो बस अब ये कि ये इजीली आप अपना करते रहें और सब कुछ आसान हो जाएगा। आज मैंने एक बड़ी मज़े की बात जो है ना पढ़ी थी, वो ये थी कि हमारे जो माँ बाप हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो ज़िंदगी है या उनकी ज़िंदगी में जो मज़ा करते हैं वो हम कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं इस तरह से कर सकते। तो ये कि हमें हर टाइम इंजॉय करना चाहिए और बर्तन धोते हुए ज़रूर किसी को फ़ोन कर लेना चाहिए ताकि वक्त अच्छा गुजर जाए। कभी कभार मुझे बर्तन बनाने वाले पे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे खुद करना पड़ता है, और इस्त्री करने पे मुझे ये काम बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, जबकि मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी वॉशिंग हमेशा से खुद करती हूँ और सफाई मैंने कभी की नहीं। लेकिन जब पड़ती है तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ज़्यादातर मैं घर में बर्तन शीशे के इस्तेमाल करती हूँ, मेरी क्वार्टर प्लेटें भी इस तरह की वाइट कलर की होती हैं और मेरी जो बड़ी खाने वाली प्लेट है वो भी वाइट कलर की होती है। ये कि इससे ये कि आपको प्लास्टिक से आप बच जाते हैं, तो ये मैं वाइट कलर की बड़ी प्लेटें इस्तेमाल करती हूँ शीशे की। बाकी ये कि इसको माइक्रोवेव में भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेलामाइन तो मैंने काफ़ी अर्से से घर पर लाई नहीं हूँ। मेलामाइन तो बहुत अर्से पहले मैंने खरीदा था कोई सेट, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास चीज़ें जो है ना वो शीशे की हैं। मतलब इवन मेरे पास जो बाउल्स हैं वो भी मैं शीशे की है, ग्लास की, तो कम चीज़ें जो मेरे पास सिर्फ मेलामाइन की कुछ रहेगी हैं। तो आपको पता है घर में मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं कि किसी भी तरह से अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे सर्दी का मौसम है, मासी को आना चाहिए, लेकिन अगर वो मासी छुट्टी पर चली जाती है या वो बीमार हो जाती है, क्योंकि देखिए सर्दी भी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो फिर आपके पास अगर ग्लव्स हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। मैंने तो बस यही सोचा फटाफट अपना काम करके फारिग हो जाए बंदा, और जो है ना फिर ताकि सारा दिन बेफिक्री हो जाए। किचन को साफ करने में तकरीबन लग जाता है, घंटा तो लगता ही लगता है आराम से। काउंटर साफ करो, ये करो, वो करो, छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन सब काम टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन ये कि मैं बातें करते करते जो है काम भी निपटा लेती हूँ, और अभी जाऊंगी कुछ शॉपिंग मैंने करनी है। मुझे एक रेड कलर का ना मग बहुत पसंद आया हुआ है, और वो बड़े फुल बड़े साइज़ का, मतलब ये जैसे मेरे ये सुपरमैन वाले मग है ना, इससे तो वो काफ़ी बड़ा और मज़े का। उसमें मतलब चाय में ज़्यादा बड़े कप में पीती हूँ तो अच्छा रहेगा। मैं लेके आऊँगी ना, और इतने वो ख़ास महंगे भी नहीं है। और एक और मैं कप लाई थी येलो कलर का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पैर है उसके ऊपर भी मुझी सभी इस सारे बर्तनों को, जैसे मैंने पहले आपने अगर अपना पानी बचाना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू सेव वाटर व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट अप्लाई लिक्विड मैक्स टू ऑल ऑफ द डिशेस एंड देन यू हैव टू पुट ऑल ऑफ योर डिशेस इनसाइड दिस सिंक एंड उसको अपना नलके को बिल्कुल लाइट सा खोल लें। उसके बाद क्या होगा कि वन बाय वन करते हुए आप इनको वॉश करते जाएंगे तो पानी जो है वो ट्रांसफर होता जाएगा, और साफ पानी से आप धो धो के अपने रखेंगे। तो वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू कैन डू इट इजीली। मतलब ये है कि मुझे डेली का डेली ना, कई लोग मैं सुनती हूँ कहते हैं कि वो रोज़ाना अपने बर्तन धोते हैं, ठीक है, और उनके पास इतना टाइम होता है धोने का बर्तन, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो जब उन पर पड़ती है तो देन आई हैव टू डू इट। और मेरी मम्मी अगर कभी व्हाट्सएप पर कॉल आ जाए ना, तो मेरी सिस्टर और मेरी बहन तो वो बड़े इरीटेट होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आई मेक लॉट्स ऑफ नॉइज़। वो कहते हैं ना भाई, ना मम्मी बात करते तो बहुत ज़्यादा शोर करती। तो मैंने कहा चलो आज अगर मैं अपने चैनल पे छोटी छोटी डालती हूँ तो देन आई कैन ईजिली वॉच
what sort of milk I am going to make. काफ़ी नॉइज़ है तो आप मुझे जल्दी ख़त्म करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। देखें आपसे बातें भी हो जाएंगी और मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे मेरा व्लॉग देख के कि हमारी बच्ची कितनी फिगर और कितनी समझदार होगी। ये मुझे ज़िंदगी में ना सबसे मुश्किल काम रखते हैं बर्तन शर्तन धोना और कुकिंग करना मुझे बहुत ईजी लगता है। मुझे फन लगता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत मज़े का काम कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं तो वो मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल अब जब पड़ती है तो वो आपको करना पड़ता है। तो नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखिए मैंने पानी को थोड़ा तेज़ कर लिया है क्योंकि मुझे तेज़ करने बर्तन भी धोने, लेकिन ये कि मेरे बर्तन आराम से धुलते जा रहे हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हाथ को भी आज भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं आपके ग्लव्स के साथ, इसलिए भी नहीं खराब होते, आप इजीली नेल आर्ट भी कर सकते हैं। तो ये और मेरे बर्तन जो हो गए हैं सारे डन डना डन डन हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे रहते हैं। आई हैव टू डू मोर वर्क फॉर दिस, अभी हम करते हैं और काम। सिंक को थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि मग्स रह के। ये जी वो फेवरेट मेरा मग जो मैंने आपको दिखाना था, ये देखिए मोजी वाला, ये जैसे मोजी चाय में, ये देखें इधर देख क्यूट लग रहा है ना, बहुत मज़े का। तो ये मैं अक्सर इसको मैं इसी में चाय पीती हूँ। तो आज तो मेरे पास सारे सुपर मैन सुपर मैन सब लिए हैं। भांडे 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 धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। मेरे घर एक मेहमान आए छोटे से मेहमान आए, मैं आपको अपने छोटे से फ्रेंड छोटे से मेहमान भी दिखाती हूँ। मेरा दरवाज़ा खटखटा है तो मैं उधर अपने मेहमान को ले आऊँ। अच्छा या भी साथ चलते, चले मैं जल्दी से ग्लव्स उतार लूँ, ऐसा नहीं है कि वो चली जाए, वो आती है और चली जाती है, लेकिन वो बहुत क्यूट सी मेरी मेहमान है। तो अभी मेरे साथ जो प्यार करता है ना जब इंसान किसी से, तो वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ऐसे हो जाता है। आ गई दानी, आई एम कमिंग कमिंग, हाउ आर यू असिंगो, हाउ आर यू, से आई एम फाइन थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, what do you want? Come sit here. आ जाओ बैठो इधर गाड़ी में। हनान स्कूल, हनान स्कूल, yes. अस्सलाम वालेकुम, where are you going? Another Sunday. इसकी मामा की कॉल आ गई थी और मामा बुला रही थी, तो इस वजह से अब इसको जल्दी जल्दी बस अटेंडेंस मार करके वापस जाना था। बेटियां वाकई अल्लाह की रहमत होती हैं। अल्लाह पाक सब बेटियों के मुकद्दर बहुत अच्छे करे, आमीन। चावलों को जल्दी से पानी बॉयल हो रहा है तो उसके अंदर डाल देंगे ताकि चावल जो है वो गल जाए और
चावल मेरे रेडी हो जाएंगे, तो मैं आके इसको छान लूँगी। तो मैं भी जाके चावल डाल के आती हूँ। जितना अच्छा पीसेंगे उतनी अच्छी आपकी चटनी बनेगी। और ये धनिया के मैं डंठल के साथ पीसती हूँ। अब इसमें दही डालेंगे। आप इसमें ज़रा सा नमक डाल दें तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दें। तो ये मैं अपनी जो रायता है बिरयानी के साथ इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ। गैस चली गई थी तो चावल मैंने अच्छे से सिलेंडर पे उबाल लिए। अब जी मेरे चावल उबल गए। अब मैं इसको बिरयानी के लिए तय लगानी थी मैंने, तो अब मैं इसको बॉयल वाटर से निकाल के इसको मैं स्टेन कर लूँगी। अयान बहुत शौक़ से बिरयानी खाता है, उसे बिरयानी में स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है। जबकि हनान छोटी है तो उनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो फिर हनान नहीं खाते। तो ये था कि बिरयानी की अपनी एक रौनक होती है। बिरयानी, हलीम, कड़ी, तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रौनक होती है घर में। और आप अगर वो बना लेते हैं तो सभी शौक से खाते हैं। मुझे कड़ी भी बहुत पसंद है और मैं बड़े डिफरेंट स्टाइल से कड़ी बनाती हूँ। अभी थोड़ा सा गैस का इशू है तो इंशाल्लाह आप कड़ी जब मैं बनाऊँगी ना तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपनी कड़ी की रेसिपी। और आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी बाकी अपनी कड़ी के अंदर एक काफ़ी अच्छा सा टेस्ट और एक अच्छी सी थिकनेस और बहुत अच्छी सी एक फ्लेवर फील होगा ना। तो इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। अभी क्योंकि मौसम आपको पता है ना इतना धुंध वाला, सर्दियों वाला है, तो देखिए इतनी ज़्यादा वो स्टीम हो रही है चावलों की, अमूमन इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो मैंने ये सारे चावल छान लिए थे और अब मैं इसको आराम से दम लगाऊंगी। मसाला मैं थोड़ा थिक्की इसलिए रखती हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर आप पानी वाला मसाला रखते हैं तो फिर बिरयानी ख़राब होने का डर होता है। और दम के अंदर अगर आप नींबू काट के और फ्राई करके प्याज भी लगा मतलब दम में दे दें तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। फिर मैं जर्दा कलर ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ और बस। कई लोग जो हैं बनाते हैं जर्दे को इस तरह से कि जर्दा रंग को पानी में डाल के, लेकिन मैं बस ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। जब ये दम पे रहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, आपका मेरा साथ नहीं करता। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल जाए। और खुश रहें।